आगरा फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट में गांधी जी की पदयात्रा निकाली गई, जिसमें सांसद राजकुमार चाहर, जिलाध्यक्ष श्याम भदौरिया के साथ भाजपा की पूरी टीम पदयात्रा निकालती दिखी, जिन्होंने डाबर, जोतना, फतेहपुर सीकरी सहित आधा दर्जन गांव में भाजपा नेताओं के साथ जनसंपर्क किया, जन कल्याणकारी योजनाओं की जन जन तक जानकारी दी और गांधी यात्रा के दौरान पॉलिथीन को छोड़ने की अपील की, साथ ही कपड़े के थैले को अपनाने का संकल्प लिया। ये पदयात्रा स्वच्छ भारत अभियान को जागरूक करके लोगों तक, जन जन तक इस संदेश को पहुंचाना था कि लोग स्वच्छता को अपनाएं, गंदगी ना करें और अपने आसपास किसी भी प्रकार की कोई गंदगी ना होने दें। देखिए, आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती है और लाल बहादुर शास्त्री जी, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, सरलता के प्रतीक, उनकी भी जयंती है। 150वीं जयंती महात्मा गांधी जी की मनाई जा रही है अधिकारी। उसके बाद एक पदयात्रा का आयोजन जो निरंतर लगभग 15 से 20 दिन चलेगा पूरे लोकसभा क्षेत्र में, आज उसका पहला दिन है, शुभारंभ हुआ है। और आज के दिन भी हम लोगों ने 8-10 गाँव में पदयात्रा का आयोजन रखा है। 3 बजे पदयात्रा प्रारंभ हुई है। लोगों को प्लास्टिक से दूरी रखने के लिए, जो एक टाइम प्लास्टिक यूज वाला जो विषय है, प्लास्टिक उपयोग में ना आए, जल का संरक्षण हो, गांव में स्वच्छता रहे, सरलता रहे, अहिंसा के प्रति सब लोग जागरूक रहें, गांव में सुख रहे, शांति रहे, लोग आपस में भाईचारे के साथ रहें, नए भारत का निर्माण करें, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, भारत की धाक को पूरी दुनिया में जमाने वाले, जन जन के नेता, सबके हृदय के प्रिय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो आह्वान किया है, उसके अंतर्गत पार्टी के सभी हमारे नेतागण, कार्यकर्ता, साथी लगातार पदयात्राएं करेंगे, गांव में लोगों से मिल रहे हैं, गांव की कोई समस्या है उस पर बातचीत कर रहे हैं और आने वाले समय में सब अच्छा हो इसके लिए प्रयास कर रहे हैं।